अभिनव जी, फाइनली हम लोग इनका शॉर्ट्स चेंज करवाने में आज सफल हो गए हैं। कर नहीं रहे थे, अभिनव जी जहाँ तक कच्चे में निकल लेते हैं, इसलिए एक महीने से वही कच्चा पहन रहे थे, हमने आज चेंज कराया इनको। ओके, दिखाएंगे घर पहुंच करके, दिखाएंगे सब, दिखाएंगे सब, क्लोजअप शॉट देंगे हम, क्लोजअप यो अवेलेबल सब ट्रांसलेटेड वर्जन। रूपी कोई लड़की है उसके नाम पे वो दरवाजा बनाया है, बट अभी पता चला कि कोई फिलोसोफर थे, फिलोसोफर रॉकस्टार में भी रूमी वाला ही था ना। अवे बियॉन्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स एंड राइट डूइंग्स देयर इज अ फील, आई मीट यू देयर। तो लड़का सब इतना आशिक क्यों है? मेरे को लगा कि वैसे ही कोई इधर राजा वजा होंगे, उसकी बीवी होगी रूमी। और जैसे ताजमहल बनाया शाहजहां ने किसके ऊपर? मुमताज के ऊपर, तो वैसे ही रूमी के ऊपर में दरवाजा बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। रूमी जो है फिलोसोफर थे, शायर थे, लिखते थे। चलो देखेंगे वहाँ पे क्या क्या लिखा है। आपको सुनाता हूँ रूमी की एक पंक्ति रणबीर कपूर की आवाज में। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। यहाँ से बहुत दूर गलत और सही के पास एक मैदान है, मैं वहाँ मिलूंगा तुझे। उन्होंने लिखा है। कल सुबह हम लोग यहीं पे हॉस्पिटल के पास आ गए हम लोग। बोले तो जबरदस्त ये बड़ा इमाम बारा यही है बड़ा इमाम बारा, और बंद हो गया है, सुबह आएंगे। और ये है तो रूमी कौन सा? रूमी जी का दरवाजा, ये यही है रूमी जी का। हाँ ये रूमी जी का दरवाजा है, थोड़े वहाँ पे लगाते ना। चलो यही देखने तो हम आए। दरवाजा है ये 24 घंटा खुला रहता है, ये एक ऐसा दरवाजा है, यहाँ पे लगा दो नारियल पानी, नारियल पानी के सामने। कौन गाड़ी भाई? कोई ड्यू? यस, क्या उतरने की जगह रहेगी? केटीएम ड्यू। यह है रुक्मी जी का दरवाजा, बड़ा वाला दिख रहा है।
थे, और वो जो दूर दिख रहा है वो है पीले वाली मस्जिद, और ये है बड़ा इमाम बारा। आपके एक्सपेक्टेशंस रूमी दरवाजे से फुलफिल हुए कि नहीं? बिल्कुल, आई मीन दरवाजा रूमी की तरह ही खूबसूरत था और काफी अच्छा था, काफी बड़ा था, और बताया था ना उसके नीचे से गाड़ियां जा रही थी, इतना बड़ा दरवाजा था। और अभी हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट, गोमती नदी है लखनऊ में, और गोमती नदी के किनारे हम जा रहे हैं, वो वहाँ पे नदी के किनारे हम शाम बिताएंगे आज। एक बहुत बेसुरे सिंगर, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप देख सकते हैं, काफी है। ये कट करूंगा मैं, कहाँ लेना, राइट राइट की स्ट्रेट इसे कहते हैं दरिया वाली मस्जिद, गुड़गुड़ मस्जिद है। दरिया इधर तो नहीं है, काफी दूर है यहाँ से, पता नहीं क्यों है ये दरिया वाली मस्जिद, दरगाह है तो हम लोग भी जा सकते हैं, और ये मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अता की जाती है, अता की जाती है। कितना बड़ा प्लास्टिक फेंका है यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, कैन डू दिस। हम लोग कल पहुंचेंगे because of some poor navigation skills from Abhinav Kumar, we couldn't reach the actual destination. Bye. ये एक male body में छुपा एक female है। हम लोग सुबह उठ के आ गए हैं
और बहुत अच्छा लग रहा है और सबको मीतू मामा उठा चुके थे और अभी हमें यहाँ से इमामबाड़ा जाना है और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं इमामबाड़ा। ये है लखनऊ की सड़कें। हम आ गए हैं बड़ा इमामबाड़ा। यह है ऊपर भूल भुलैया। डायरेक्ट भूल भुलैया चलते हैं, थोड़े बुला देंगे, इतना शहर में गाड़ी चलाते हैं। ताज वो पहनता है जो किंग जो बादशाह होता है। ये गवर्नर की हैसियत से अवध में 10 लोग गुजरे, 5 गवर्नर गुजरे और 5 किंग गुजरे। अब आपके बेटे, आपके दादा, परदादा, बेटे, पोते, परपोते, इस तरीके से 10 लोग गुजरे और 5 जो इसी के अंदर गवर्नर गुजरे हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीले जो थे हिंदुस्तान के बादशाह, उन्होंने इनको यहाँ का गवर्नर बनाया। सबसे पहले बादशाह थे नवाब सादत बहरानी ईरान के, यहाँ का रहने वाला कोई नहीं था। ये सब लोग ईरान से थे, ये सब हम लोग आए हैं यहाँ पर, तो सब लोग ईरानी लोग। अब यहाँ पर ऐसा मौका पड़ा, हम लोगों की शुजात, हम लोगों की बहादुरी इन लोगों को मालूम है, तुम्हें में लोगों ने कहा भाई इनको आप बना दिए तो ये सब कर, तो यहाँ आपको गवर्नर बन, तो यहाँ के गवर्नर थे। भाई साहब यहाँ तक 45 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर आप लोग खड़े और ऊपर तक 84। बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता यही है और वापस भी आने का यही है। बताना, समझाना, घुमाना मेरा काम है, बाहर निकाल के लाना आपका काम। ये चलेंगे हम तो लाएंगे आप, माशाल्लाह से आप सब आइए अंदर आइए। आराम से आइए, देखिए कोई जल्दी वाला काम नहीं, आराम से देखिए। हर जगह पर 4 रास्ते बेटे, इधर आए 4 दरवाजे, 1 सही 3 गलत, 1 रास्ता सही है 3 गलत है, नीचे आइए। आओ बेटे, 4 दरवाजे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 दरवाजे, ये रास्ता आपका सही है।
ये रास्ता आपको हर तरफ बंद मिलेगा। इन दो रास्तों में आ गई हैं आप, इधर से आई हैं तो अब इनको चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, इसी में घूमते नहीं। जब तक आप इधर नहीं पहुंचेंगे तो ना आप निकल सकते ना वहीं। आइए आ जाइए। देखिए जनाब, इसकी लंबाई 330 फीट है, इस दीवार से उस दीवार तक ये रास्ते हैं शहर के बाहर जाने के लिए। और थोड़ा सा आगे आइए, आगे आइए भैया, आगे आओ थोड़ा सा। ये सब रास्ते हैं शहर के बाहर जाने के लिए। सिटी के बाहर जाने के लिए 2 घंटे 2.5 घंटे पैदल जाना है, जो बंद कर दिए गए जमीन के अंदर जाने के लिए जो बंद है। आइए इधर आएंगे सर, पाए बच्चा एक सीढ़ी है सर, देख कर आइएगा। नहीं ये बिना है बाकी सारे रास्ते ले आए। जनाब आप हम लोग खड़े हुए हैं बातें कर रहे और बाप बेटी बातें, इस बिल्डिंग में आप कहीं भी बात करिए हम आप बात करेंगे। जिसको लोग कहते हैं धीरे धीरे बोलो दीवारों के कान कैसे होते हैं, हम आप बातें कर रहे हैं, हम इधर ही आ गए धीरे धीरे बोलो। इन गुम्बजों को बांट दिया गया, जितने खंभे हैं उसके ऊपर वजन इसका बांट दिया, तो इन खंभों को अंदर से खोखला कर दिया था, तो लोड होना चाहिए बीच में, लोड वहां भी देखे लोड ये। इस बिल्डिंग के इंजीनियर का नाम था किफायतुल्लाह, जो ईरान के थे, ईरान के रहने वाले बादशाह लोग। यहाँ का रहने वाला ना कोई इंजीनियर था ना बादशाह, सब ये छोटी छोटी ईंट की बनी है इमारत, ये गुम्मा नहीं है सर, ये रखिए एक गुम्मा ये रखो और ये रखिए चार, जब उसके बराबर। हम आप जो रात की दाल खाते हैं, हम आप सिंगाड़े कांटा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, बेल का शरबत पीते हैं, वो चीज़ें मिली हैं इसमें, सीप है, कौड़ी है, सुर्खी है, चूना है, ये सब चीज़ें। श्रीमिन मॉरल नहीं किताब करना है। ये 15 फीट जो मोटी दीवार बता रहे थे ये उसी के बीच में रास्ता है जिसमें आप चल रहे हैं, ये 15 फीट मोटी दीवारों के बीच में चल रहे हैं।
लास्ट स्टेप है ना, और नहीं करना। भाई साहब उनको जरा सी हिम्मत छोड़ देते उनके साथ तो भी यहाँ तलक नहीं आती। देखिए जनाब आपने हिम्मत कर ली बताना, हमारे 175 सीढ़ी चढ़ गई है, चाहे उतरते टाइम पर गिन लेना भी। और आपसे नीचे कहते 175, अरे भैया तुम या मेरे भैया तुम 10-20 और ले लो तो हमसे पता तुम चले जाना। अब आपको पता जो आप लोग देख रहे हैं गोमती नदी है, लाल वाला जो है ये ब्रिज है, ये सफेद वाली मस्जिद है शाह मोहम्मद साहब की, ये जो हम लोग आप लोग खड़े हुए हैं दरिया के साइड में गोमती के किनारे से शहर के कोने पर देखिए हम लोग खड़े हुए हैं। अब आप यहाँ से आगे चलिएगा भाई साहब, आइए अब भूल भुलैया हमारी ख़त्म, आइए कहाँ का भाई आ बेटा, देखिए भूल भुलैया हमारी ख़त्म आपकी शुरू। छत पर आने के लिए भाई साहब 6 रास्ते, 1-2-3 1-2-3 इधर से नीचे उतरना एक ही गेट से, किसी भी गेट से चलिए। और किसी साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी जाना हो, सुन लीजिए मेरी बात को, किसी साहब को बहुत ज़्यादा जल्दी जाना हो तो नवाब साहब ने शॉर्टकट रास्ता बना दिया। शॉर्टकट कौन सा है, यहाँ से कूदेगा नीचे और सामने रहा मेडिकल कॉलेज, सब हिसाब किताब करने के लिए क्या करा देंगे। ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो व्हाइट वाला कितना देखते हैं सारा मेडिकल Thank you.